आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए यहाँ पे एक बेबी कैप लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी कैप है ये, एक बार जरूर ट्राई करें आप लोग। इसमें ये डिजाइनर कैप बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही सरल डिजाइन है, कोई भी बना ले, से बिगिनर्स भी, जिसे सिर्फ उल्टा और सीधा बनाना आता हो। इससे पहले भी मैंने एक कैप की वीडियो डाली हुई है, आप जाकर उसे देख सकती हैं। और सॉक्स वगैरह का देखना है तो वो भी देख सकती हैं, मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है सॉक्स की, कैप की, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसमें फंदे डाल के रखे हुए हैं, 76 फंदे, सॉरी 72 फंदे, यानी 72 फंदे हमने इसमें डाले हुए हैं। 72 फंदे यानी 6 के गुने में आपको फंदे लेने हैं इसमें, ठीक है। 6 6 के हिसाब से हम यहाँ पे फंदे इसमें लेंगे। और इसके बाद हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए 1 2 3 4 और ये 5 5 धारी बनाई है, यानी कि 10 सिलाइयाँ दोनों साइड से मिलाते हुए। अब यहाँ पे आ गए सीधी साइड पे। अब क्या करना है, दोनों साइड में हम 6 6 फंदे हम यहाँ पे बॉर्डर के लिए रखेंगे, 3 और 3 6 बॉर्डर के लिए, ठीक है। इधर भी 6 फंदे हम बॉर्डर के लिए रखेंगे, 3 फंदा और 3 फंदा 6 फंदा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बुनना। सबसे पहला फंदा को हम इस तरह से, जैसे हम सीधा बुनते हैं इस तरह से लेंगे ताकि हमारी साइड में चेन बने इस तरह से, इसीलिए पहला फंदा को हम उतारते हैं। अब धागा अपनी और करेंगे। इसके बाद 5 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और जो पहला फंदा हमने उतारा था उसे मिलाते हुए 6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागे को हम पीछे करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे, 3 3 फंदों में डिजाइन डलेगी हमारी। तो सबसे पहले 2 फंदों को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, ठीक। तीसरे फंदे पे हम 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 और ये 2। अब इसे हम सीधा बुन लेंगे। यही 3 फंदे बार बार रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, 1 फंदा हमने यहाँ पे सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया। अब जो तीसरा फंदा आएगा इसमें हम 1 और ये 2 दो बार धागा लपेटते हुए से हम सीधा बुनेंगे। 1 फंदा हमने सीधा बनाया, दूसरा फंदा सीधा बनाया, तीसरे फंदे पे आपको 1 और ये 2 बार धागा लपेटते हुए सीधा बुनना। फिर से डिजाइन देखिए, 1 बार सीधा बुना, दूसरा बार सीधा बुना, तीसरे बार हम इसको इस तरह से 2 बार धागा लपेट लेंगे। इसी तरह से पूरी रो करना है। लास्ट में 6 फंदे को फिर से हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट में जो 6 फंदा बचा हुआ है, 3 और 3 6, धागा अपनी ओर करके इन 6 फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट के हम 6 6 फंदे से 6 6 फंदे को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई पे। फिर इन 6 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। उससे पहले पहला फंदा को हम यहाँ पे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे ताकि साइड में चेन बने, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे धागा लपेटा हुआ है और ये 2 फंदा जो उल्टा है, धागा लपेटा हुआ फंदा को इस तरह से खोलेंगे और इसे भी हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। और इस साइड से जो है उधर से सीधा था, इधर से उल्टा, इसे अब हम उल्टा बुनेंगे, यानी पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी, लेकिन जो डबल फंदा लपेटा हुआ उसे हम खोल लेंगे पहले इस तरह से, ठीक है। इसे हमने उल्टा बनाया और फिर ये 2 फंदे भी उल्टे बनेंगे। फिर धागा लपेटा हुआ फंदा इसे हम इस तरह से खोलेंगे और इसे हम उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे और उल्टे बनाने हैं। धागा लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, उसके साथ जो 2 फंदे और थे उसे भी हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जो 6 फंदा इसे भी आपको उल्टा बना लेना है। तो सेकेंड लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई उल्टे साइड से। अब आ गए हम सीधी साइड। सीधी साइड हमारी तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई सबसे पहले इन फिर 6 फंदों को हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए इन 5 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। ये 2 हो गई 3 4 और ये 5, 5 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। पहला फंदा उतारा, 5 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे हमने नॉर्मल बनाए थे और जो तीसरा फंदा था इसमें हमने 2 बार धागा लपेट के बनाया हुआ था, ठीक है, ये वाला फंदा। तो इसे हम क्या करेंगे, इन फंदों को हम इस तरह से खोलेंगे
और पीछे का फंदा आगे लाएंगे, ठीक है? ऐसे किया, इन फंदों को पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से, और ये फंदा हम आगे इस तरह से चढ़ाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम पहले इस पीछे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, इसके बाद दो फंदे और हम सीधे बनाएंगे इस तरह से, या फिर इस तरह से भी कर सकती हैं आप। ये लेना है आपको, तीसरा फंदा पहले बुन लेंगे हम, इसको थोड़ा सा हल्का सा लूज कर लेंगे, ऐसे लिए हमने। इस वाले फंदे को पहले हम सीधा बनाएंगे, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे दो फंदे उतारेंगे इस तरह से, ठीक है? दो फंदे को पीछे लेके चले जाएंगे, और ये जो फंदा है लंबा वाला फंदा जो हमने धागा लपेटा हुआ था, इसे हम इस तरह से चढ़ाएंगे, और यहाँ पे इसे हम पहले इसे बनाएंगे पीछे वाला फंदा को, इसके बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है? इस तरह से फिर से लेंगे हम, ये थोड़ी मोटी उल से बनाएंगे तो डिजाइन ज़्यादा पता चलेगा, और इस फंदे को एक बार दो बार धागा लपेटने के बजाय तीन बार धागा लपेटेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ी सी लंबी खींच के आएगी, ठीक है? इस वाले फंदे को हम आगे करते हैं और दो फंदे पीछे लेके चले जाते हैं, इस तरह से लेंगे और इसे हम पीछे कर लेंगे, आगे लाए। अब इस वाले फंदे को हम एक बार बुना, अब ये दो फंदे जो हमने पीछे किए इसे भी हम सीधा बना लेंगे, एक और ये दो, बस यही तीन फंदों को इस तरह से आपको बुनते हुए जाना है। तीसरा फंदा आगे लाना आपको इस तरह से, ठीक है? अब दो फंदे पीछे लेके चले जाएंगे हम, और ये फंदा इस तरह से चढ़ाएंगे और इसे हम पहले सीधा बनाएंगे, तीसरा नंबर को फंदा को पहले हम सीधा बनाएंगे, इसके बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेकंड लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए थर्ड लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे सेकंड लाइन देखिए किस तरह से बनाना है। पहले छह फंदों को बॉर्डर को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे, ठीक है? और ये जो दो डबल धागा हमने लिया होता इस फंदे को बुनना नहीं है, सिर्फ इसे हम खोल के इस तरह से उतार लेंगे। उसका अगला जो दो फंदा है इसे हम बुनेंगे, एक और ये दो, ठीक है? फिर जो डबल धागा लिया हुआ इसे हमें इस तरह से खोल लेना है, ऐसे, ठीक है? खोल लिया। इसके बाद अगले दो फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे, एक और ये दो। इसी तरह से करते हुए आपको जाना है, जो डबल धागा लिया हुआ सिर्फ इसे आपको उतारना है, इसके बाद जो दो फंदे आएंगे इसे आपको उल्टा बना लेना है। तो पूरी सिलाई इसी तरह से करेंगे, लास्ट में जो यहाँ पे छह फंदे आएंगे उसे आपको उल्टा बना लेना, फिर सीधी सिलाई आपको दिखाती हूँ। दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, तीसरी सिलाई, ठीक है? तीसरी सिलाई में पहला फंदा को उतार लेते हैं, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार और ये पांच। पहला फंदा उतारने के बाद पांच फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाते हैं, ठीक है? इस फंदे को छोड़ते हुए पांच फंदा उल्टा बनाना, एक दो तीन चार पाँच, टोटल मिला के छह फंदा होना चाहिए। इस तरह से धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे जो तीन फंदे, एक फंदा हमने जो उतारा हुआ था और दो फंदा यहाँ पे उल्टा बना हुआ था, अब जो ये उतारा हुआ फंदा को इस तरह से हम सिलाई पे ले लेंगे और दो फंदे को हम पीछे लेके चले जाएंगे, इस तरह से खोलेंगे और पीछे वाले सिलाई से वापस इसे ले लेंगे, ठीक है? और ये जो उतारा हुआ फंदा इसे हम इस तरह से खींचते हुए ऊपर चढ़ा लेंगे। पहले इस वाले पीछे वाले फंदे को हम यहाँ पे यानी कि उतारा हुआ फंदा बुनेंगे, एक, इसके बाद दो फंदे और सीधे बनाने हैं आपको, ठीक है? फिर से रिपीट करेंगे हम। ये फंदा जो है देखिए, उतारा हुआ फंदा को इस तरह से लेंगे या फिर इस तरह से पकड़ लें, तीनों फंदों को इस तरह से पकड़ेंगे, दो फंदा पीछे वाले सिलाई पे वापस से फिर से चढ़ा लेंगे हम, इसके बाद इस वाले फंदे को इस तरह से लेंगे और उतारा हुआ फंदा को पहले बुनेंगे सीधा, इसके बाद इन दो फंदों को सीधा बनाना, एक और ये दो। इसी तरह से डिजाइन को बनाते हुए जाना, तो डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। एक बार और दिखा देती हूँ, इन तीन फंदों को इस तरह से खोलेंगे, पीछे वाले दो फंदों को वापस से उसी सिलाई पे चढ़ाएंगे जिसमें ये फंदा था, इसके बाद उतारा हुआ फंदा को इस तरह से खींचते हुए वापस चढ़ाएंगे और इसी वाले फंदे को पहले बुनेंगे, एक, उसके बाद दो फंदा जो हमने बुना हुआ था उसे हम सीधा बना लेंगे। इसी तरह से करते हुए जाएंगे हम और लास्ट में जो छह फंदा आएगा इसे आपको धागा अपनी ओर करते हुए इन फंदों को हमें उल्टा बना लेना है।
यहाँ पे लाइन डिजाइन की कंप्लीट हो गई। लास्ट में छह फंदा बचा हुआ है, धागा अपनी ओर करते हुए इन छह फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी डिजाइन में, इसीलिए मैंने इसे दोबारा बताया। ठीक है, अब चौथी सिलाई देखिए क्या करना है। चौथी सिलाई पहला फंदा को उतारेंगे और यहाँ पे सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई आपको उल्टा बना लेना है, डिजाइन वाले भी और बिना डिजाइन वाले भी। ठीक है, इसी तरह से करते हुए रो को हम फोर रो को कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई उल्टे साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, पूरी सिलाई उल्टा। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, आ गए हम। अब फिर से इस डिजाइन को हम फिर से शुरू करेंगे, तो किस तरह से शुरू करना है वो देखिए। डिजाइन इसी तरह से बनेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मेन छह फंदों को पहले हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा आपको स्लिप करना है, धागा अपनी ओर करना है, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, और उतारा हुआ फंदा को काउंट करेंगे तो टोटल छह। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए तीन तीन फंदों में डिजाइन हमने डाला हुआ था, पहले दो फंदा बुना उसके बाद तीसरे फंदे में हमने यहाँ पे धागा लपेटा हुआ था। अब क्या करेंगे, पहला फंदा में धागा लपेटेंगे और दो फंदा नॉर्मल सीधा बनाएंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है पांचवी सिलाई पे। पांचवी सिलाई डिजाइन उसी तरह से बनेगी लेकिन चेंज आ जाएगी। पहले हमने दो फंदे सीधे बनाए थे, तीसरा फंदा में हमने दो बार धागा लपेटा हुआ था। इस बार आपको क्या करना, पहले फंदे में ही हम दो बार धागा लपेटेंगे, एक और ये दो, और इसे हम सीधा बना लेंगे। दो बार धागा लपेटा हमने, इसके बाद दो फंदे नॉर्मल सीधा बना लेंगे, एक और ये दो। यही डिजाइन को रिपीट करना है। फिर से देखिए, अब डिजाइन जहाँ पे देखेगी दिखेगी, देखिए ये वाली डिजाइन दिख रही है, इसी के ऊपर आपको दो बार धागा लपेटना है। इस तरह से दो बार धागा लपेटा, नॉर्मल दो फंदों को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए ये वाली डिजाइन आ गई, इसके ऊपर वाले फंदे में ही आपको दो बार धागा लपेटना है, एक और ये दो, और सीधा बना लेना है। इसके बाद दो फंदे और सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। इसी तरह से करते हुए जाएंगे डिजाइन को, लास्ट में छह फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। ये हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट होने को है, धागा अपनी ओर करेंगे, छह फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। छह की जगह पांच भी रख सकते हैं या फिर चार भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन छह फंदों को हमने बुन लिया, पांचवी सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। छठी सिलाई आपको दूसरी सिलाई की तरह करनी है, तो पहला फंदा उतारेंगे, साइड वाले धागे को हल्का सा टाइट करेंगे, इसके बाद पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। पहला फंदा उतारते हुए काउंट करते हुए छह फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे इधर से दो फंदा हमने सीधा बनाया था, इधर से उल्टा, एक और ये दो। ठीक है, अब जो हमने डबल धागा लिया हुआ था इसे आप इसको इस तरह से खोलना है और उतार लेना है, उसे बुनना नहीं है आपको। फिर एक और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा उल्टा बनाया और ये दूसरा फंदा उल्टा। ठीक है, अब इस वाले फंदे को इस तरह से खोल लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और ये लपेटा हुआ फंदा को इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, उसके अगले दो फंदे फिर से बनेंगे। इसी तरह से हम ये छठी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करती हूँ, फिर आपको सातवीं सिलाई दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सातवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, आ जाते हैं छठी सिलाई कंप्लीट हो गई, आ जाते हैं सातवीं सिलाई पे। ठीक है, सातवीं सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हम पांच फंदे और बुन लेंगे बॉर्डर वाले। पांच, एक फंदा और बुनेंगे। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए किस तरह से करेंगे हम, ये हमारा डबल धागा वाला फंदा है जिसे हमने बिना बुने लिया हुआ था। अब क्या करेंगे, इस वाले फंदे को इस तरह से उतार के छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला दो फंदा को हम यहाँ पे पहले इस तरह से बुन लेंगे, एक और ये दो, दो फंदे बुन लिए। अब इस वाले फंदे को यहाँ पे चढ़ाएंगे और इसे भी हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। ठीक है, एक हम इस दिशा पे जाएगी, दूसरा जो डिजाइन बनाएंगे हम ये इस दिशा पे जाएगी, या फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं। पीछे का देखिए, ये वाला फंदा हम पीछे लेके चले जाएंगे। ठीक है, इन दो फंदों को इस तरह से लेंगे, इसे पकड़ना आपको पीछे साइड से। अब आगे वाला जो फंदा बिना बुने लिए इसे पीछे कर देंगे। अब इन दो फंदों को हम इस तरह से लेंगे, वापस चढ़ाएंगे, पहले इन दो फंदों को हम बुनेंगे, एक
और ये दो सीधा, इसके बाद ये तीसरा वाला जो उतारा हुआ फंदा था इसे बुनेंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा ये हो जा रही है, तो इसे क्या करेंगे, इस तरह से गिरा लेना, ये सबसे आसान है। उसके बाद हम ये गिरेगी नहीं, ठीक है। एक और ये दो फंदा हमने यहाँ पे इसे बुन लिया, उसके बाद इस वाले फंदे को सिलाई पे चढ़ाएंगे और इसे फिर से हम सीधा बना लेंगे। ये सबसे आसान तरीका हो जाता है बनाने का, देखिए डिजाइन पता भी चल रही है। फिर से एक बार देखिए, इस वाले फंदे को गिरा देंगे और जो दो फंदा नॉर्मल है उससे पहले हम सीधा बना लेंगे, एक और ये दो। वापस ये फंदा को सिलाई पे चढ़ाना है आपको इस तरह से, और इसे सीधा बना लेंगे। सातवीं सिलाई इसी तरह से हमारी ये डिजाइन बनेगी। उसके बाद आठवीं सिलाई आपको पूरी सिलाई उल्टा बना देना है, और इसके बाद जो आठवीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद हमें तीन धारी प्लेन प्लेन दोनों साइड से सीधा बना ले या फिर उल्टा, ठीक है। एक दो तीन धारी हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है। तीन धारी या बीच में दो धारी भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी कि डिजाइन के बीच में कितना गैप रखना है आपको। तो ये कर लेती हूँ, यही यही डिजाइन आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तीन यहाँ पे हमने ये एक दो तीन धारी बनाने के बाद, उसके बाद फिर से ये डिजाइन चलेगी, ये वाली दो फंदे, छह फंदे हम पहले उल्टा बनाएंगे, दो फंदा उसके बाद फिर से सीधा, तीसरे वाले फंदे पे दो बार धागा लपेटेंगे, इस तरह से ये डिजाइन करेंगे चार सिलाई। इसके बाद जो भी बता रही फिर चार सिलाई ये वाली, ठीक है। डिजाइन बहुत आसान है, पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल ये जो डिजाइन है हमने चार डाली हुई है, एक दो तीन और ये चार, और बीच में हमने चार चार सिलाइयों का, छह सिलाइयों के बजाय हमने चार चार सिलाइयों का दो धारी हमने यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया हुआ, कुछ इस तरह से इसकी ये डिजाइन लग रही है। बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डिजाइन है इसकी, ये देख सकते हैं, और उल्टे साइड से इस तरह से दिखती है पूरा। अब ये जो इधर का बॉर्डर है ये सामने बेबी के चेहरे के सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों साइड की में आ जाएगी। तो चलिए अब इसे दिखाते हैं कि कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। इस तरह से अगर हम रखते हैं तो ये 10 इंच आती है, इस तरह से रखेंगे तो देखिए इसकी चौड़ाई हो गई 10 इंच, ठीक है, सॉरी लंबाई इसकी 10 इंच है, और चौड़ाई देख लेते हैं 6 इंच। यहाँ पे देखिए नाप के मैं दिखाती हूँ, इस तरह से अगर नापते हैं तो इधर से ये 10 इंच है, ठीक है, और ऊपर तरफ से इधर से लेके इस तरह से नाचते हैं नापते हैं तो 6 इंच है इधर। और देखिए इसमें किस तरह से करेंगे, आप चाहे तो फंदों को आधा आधा करके इसमें कर सकती हैं सिलाई, या फिर आप एक ही बार सारे फंदों को बंद कर दें, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, सारा फंदा हम यहाँ पे इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है। दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, फिर से सेम उसी तरह से करेंगे। पूरी सिलाई हम यहाँ पे बंद कर लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ सिलने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। जो दो फंदों के सिलाई में घटा नहीं पाती हूँ वो इस तरह से आराम से सारे फंदों को एक बार में घटा ले, उसके बाद फिर सिलाई कर ले, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका रहता, तो इस तरह से करते हुए मैं सारे फंदों को घटा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसके बंद कर लिया, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से सीधा को अंदर करेंगे उल्टा भाग को ऊपर, और इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ से सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। सुई में मैंने धागा डाल लिया हुआ है, अब यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करते हुए यहाँ पे मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। हर एक चेन से चेन को मिलाते हुए आपको सिलाई करना है। तो चलिए इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसकी हमने सिलाई कर ली, अब इसे हम सीधा करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो सिलाई किया हुआ भाग ये पीछे चले जाएगा, ठीक है, और आगे का भाग ये आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये कैप रहेगी हमारी। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो भाग है इस तरह से रहेगी, और यहाँ से ये जो चेन दिख रही है नीचे से, यहाँ से आपको, आप चाहे तो सिलाइयों से यहाँ पे उठाते हुए फंदे को यहाँ पे आप यहाँ पे डोरी बना लें, या फिर आप क्रोसिया की मदद से भी बना सकती हैं। तो मेरे पास जो गला बुनने वाली दो साइड वाली होती है कैसे इस तरह की, ठीक है, तो दोनों साइड इसी तरह की होगी, तो ये नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो इसलिए मैं आपको क्रोसिया से ही बता रही हूँ इसको। या फिर आप इसी तरह से नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, छः फंदों का लिया हुआ है, ठीक है, तो छः फंदे ही उठाते हुए आप यहाँ से भी बना सकती है इतना चौड़ा पट्टी, लेकिन बच्चे के लिए इतना चौड़ा पट्टी अच्छा नहीं लगेगा, तो
यहाँ से क्या करते हैं, क्रोशिया की मदद से ही थोड़ा सा पतला सा डोरी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे इस तरह से, पहले गांठ लगा लेंगे और मैं इसमें बता दूंगी कि कितने ग्राम ऊन लगी है। और ये जो है आपकी कैप 6 महीना से लेके 1.5 साल के बेबी को आ जाएगा, क्योंकि बहुत फैली हुई है, लूज टाइप की है, देख सकते हैं फैलती भी है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, ये जो चेन है फर्स्ट चेन से हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे लिया, इस जगह पे गांठ लगा लेंगे, इसके बाद दूसरे यहाँ पे इसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरे वाले पे भी डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो नॉर्मल इस तरह से भी कर सकती हैं, जैसे मैंने इसी जगह पे किया, सिंगल क्रोशिया किया। ठीक है, इसके बाद एक चेन लेंगे और ये दूसरा चेन क्रोशिया पे धागा लेंगे और इसी चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर एक और ये दो चेन लिया, फिर इन दो फंदों को इस तरह से उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे लिया हमने ये फंदा और ये फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे हम और इस तरह से करते हुए लंबा खींचते हुए यहाँ पे हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर एक दो लेंगे, फिर लेंगे इन दो फंदों को इस तरह से उठाना है यहाँ पे। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करें, एक और ये दो फंदा ले लें, क्रोशिया पे धागा ले, अब इन दो को खोले। ठीक है, एक तो चेन है और एक डबल क्रोशिया, इसके बीच में इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। अगर ये आसान लग रहा है तो आप ये कर सकती हैं, दो चेन लेंगे, फिर इन दो को खोलेंगे इस तरह से, इसके बीच में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड आपको करना है, इधर भी लेंगे हम पहली चेन में करते हुए, तो करती हूँ फिर दिखाती हूँ पहना के भी और कितनी ग्राम ऊन लगी है इसमें। यहाँ पर कैप को हमने यहाँ पे दोनों साइड डोरी बना के कंप्लीट कर ली हुई है। अब चलिए इसे ऑन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कितनी ग्राम ऊन लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ग्राम ऊल में ये हमारी बनके रेडी हो गई, देख सकते हैं 20 ग्राम ऊल है इसमें। ठीक है, ये बनके रेडी हो गई। अब यहाँ पे पहना के मैं दिखा देती हूँ कि कैसे लगेगी बेबी पहनाने के बाद। यहाँ देखिए हमने रखा इसे और जिधर हमने सिलाई की हुई, देखिए ये भाग ये पीछे रहेगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे रखा हमने और इसे रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से एकदम कवर हो जाती है अच्छे से, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगी और यहाँ पे इसे बांध लेंगे। इस तरह से बेबी के कैप बन के रेडी हो गए, नीचे साइड से भी इधर पूरा नीचे तक है, देख सकते हैं, इसीलिए साइड में इधर बॉर्डर दिया गया है कि ताकि ये नीचे साइड बॉर्डर दिखे और ये आगे साइड बॉर्डर। अगर आप लड़की के लिए बना रही हैं तो चाहे तो झालर भी दे सकते हैं या नहीं भी देंगी तो जो भी लड़का हो लड़की जो भी हो आप दोनों को इसे पहना सकते हैं। तो डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत से। तो उम्मीद करती हैं कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगता तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।